वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु संजय जी, ऐसी बुक पढ़ रहे सी जी, भजन बंदगी का प्रताप। अज दा अगला चैप्टर है जी, नाम दी शक्ति। छोटे हरभजन सिंह जी लिखते ने नाम दी शक्ति बारे, कहते बचपन तो ही मैनू शौक सी कि मैं भी मजमा लाने वाले वांग किसी बच्चे नू लटा के उस पासों लोगों दीआं पुछां देवां। कोई ऐसा सज्जन नहीं सी मिलिया जो मैनु इस बारे ज्ञान दे सके, ते ना ही मैनु समझ ही सी कि बिना मुर्शदा राह नहीं हाथ आउंदे। सोच सोच के मेरे चलाक मन ने एक तरकीब लभी जिस नाल मन भूए हो गया। मैं उस समय चौथी जमात विच अपने पिंड दे स्कूल विच पढ़दा सां। मेरा जमाती मुंडा भान सिंह मेरा पक्का दोस्त सी। मैं उसनू भेद वाली गल दस के अपने नाल रला लिया अते समझाया कि मैं तेरी अखां ते पट्टी बन के लम्मा पा दिया करांगा अते स्कूल दे दूजे मुंडियां दे सवालां दे जवाब पुछिया करांगा। आम सवाल जो स्कूल दे बच्चे पुछदे सन ओ ए सन कि मेरे हाथ विच की है, ए कौन है आदि। मैं साथी भान सिंह नू समझा दिता कि फर्ज करो पुछण वाले बच्चे दे हाथ विच किताब है, ता मैं तेनू कहांगा कहो बाबू ये क्या चीज है, तुम बोलते क्यों नहीं अते जल्दी करो बता दो। इना चार बाकां दे कई सवाल जवाब उर्दू दी 35 अल्फ तो ये तक दे सारे अक्षरां दे बना ले अते भान सिंह नू चंगी तरह समझा दते। ए कोड वर्ड जेड़े के होर बच्चे नहीं समझ सकते सन। एक दिन सचमुच ही स्कूल विच एक मजमा लाया गया अते बच्चियां दीआं सारीआं पुछां बनाई हुई स्कीम अनुसार भान सिंह ने दस दित्तियां। साडा झाका खुल गया ते हौली हौली बड़े चलाक बन गए। सारे स्कूल विच धुम पै गई कि असीं औलिया हो गए, तां साडे हौसले होर वध गए अते स्कूलों बाहर भी अजिहे मजमे लाउणे शुरू कर दित्ते। सारे पासे बल्ले बल्ले होण लग पई। पर एक वार 100 दिन चोर दा ते 1 दिन साध दा वाली गल वापर गई। असीं बाजार विच मजमा लाया होया सी, लोकां दे सवालां दे जवाब तसल्ली बख्श दित्ते जा रहे सन। उदों एक पंसारी अपनी दुकान तों एक चीज जिस बारे मैनू भी पता नहीं सी लिया के कहण लगा कि इस तों पुछो कि मेरे हाथ विच की चीज है। पर जद तक मैनू उस चीज दे नाम दा पता ना होवे तां मैं किहड़े अखरां राहीं भान सिंह नूं समझावां। मैं पंसारी नूं उस चीज दा नां पुछिया ते उसने दस्सिया कि इसदा नां कलंजन है जो कि पान दी जड़ हुंदी है। फिर मैं लग्या भान सिंह नूं अपने कोडां राहीं पुछण, पर उस नूं कुछ औड़े ही ना क्योंकि उसने भी पहला कदे इसदा नां नहीं सी सुनिया। उह कदे कुछ ते कदे कुछ बोल देवे, बस फिर की सी, साडी पीपनी बज गई ते शर्म दे मारे मैं रोण लग पिया। मैनूं उच्ची उच्ची रोंदिया देख के मजमे च एक बंदा अगे वधिया अते प्यार नाल मेरे अथरू पूंज के हौसला दिंदा होया कहण लगा, काका जे सचमुच ये काम सीखना चाहुंदा है तां घरों 1 रुपया, 1 गुड़ दी रोड़ी, 1 कागज अते काली स्याही दी दवात लिया। मैं तेनूं असली तरीका दस देंगा, फिर कदी धोखा नहीं खावेगा। मैं दौड़ के घर जाके मां पासों मिन्नता करके 1 रुपया, गुड़ नाल ही कागज अते स्याही लैके उस बंदे दे चरणा ते रख दित्तियां। वह मैनूं चुवारे च लै गया। मेरे कागज उत्ते 1 रुपया रख के कलम नाल गोल धारा बना के उस विच काली स्याही भर दित्ती ते कहण लगा, इस कागज नूं कंध नाल लटका के इस दे सामने बैठ के इस काले गोल चक्कर वल वेखी जाया करी, अखां नहीं फरकणियां, एक टक देखी जाई, फिर कुछ दिनां विच इस काले अखर च तैनूं रोशनी दिसण लग पवेगी। जद इत्थे पहुंच जावें फिर मेरे कोल आवीं, अगली गल दसांगा। यह समझ के मैं घर आके चुप चाप एक कमरे विच बैठ गया ते दसे मुताबक लग गया अभ्यास करन। सवेरे शाम जदों भी वेल मिले मैं इधर लग्या रहा ते डट के बैठा करा। इंज करदिया कोई 4-5 दिनां विच ही कामयाबी हो गई अते मैं भज्या भज्या अपने उस्ताद कोल गया ते सारी गल कह सुनाई। वह मैनूं कहण लग्या कि हुण अपने दोस्त भान नूं बुला लिया। मैं बुला लिया है, 2 मंजे आमो सामने रख दिते, एक उत्ते मैं दूजे उत्ते भान सिंह नूं बिठा दिता। उस्ताद नूं मेरे दोवां हत्थां उत्ते भान सिंह नूं हथ रखण लई कहा ते मैनूं समझाया
कि तू भान सिंह दी अखां विच अखां पा के आख ए सौ जावे। अते भान सिंह नूं कहा कि तू अखां मिला के आख मैं सौ जावां। असां दोहां ने उस तरह कीता तां की होया कि भान सिंह हौली हौली अखां मीटण लग पिया ते उसनूं बेहोशी जी होण लग पई। मैं उसनूं मंजे ते लिया दिता। उसने मैनूं कहा कि हुण जो मर्जी है सवाल इस तों पुछ, ये दसेगा, कोई कोट वरतन की लोड़ नहीं। मैं उवें ही कीता ते मेरी हैरानी की हद ना रही कि वह झटपट मेरिया गलों के जवाब देने लग पिया। उपरोक्त हद बीती दस के मैं कोई मैसमरिज्म जां हिपनोटिज्म नहीं दिखा सिखा रहा, सगों इस नूं नाम जपण की विधि लई एक मिसाल वजो वरतना चाहुंदा हाँ। नहर अपर वारी दुआब की एक शाखा सभराओं ब्रांच तीन भागों में वंडी हुई साढ़े पिंड तो लगभग एक किलोमीटर दूरों लंघती है। परम सतिकारयोग संत अतर सिंह जी महाराज मस्तुआने वालिया के परम सेवक संत मनसा सिंह जी अपने एक सेवक भाई हजारा सिंह जी नाल उस नहर की पटड़ी के विचरते विचरते लंघ रहे सन। साढ़े पिंड के उच्चे उच्चे चवारे देख के भाई हजारा सिंह जी आखन लगे कि जापदा है कि यह कोई घुग वसदा नगर है। संत आखन लगे कि नाम तो सखने हैं, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोयन चौवारे, जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से ही नगर उजाड़ी जियो। भाई हजारा सिंह आखन लगे, महाराज वैद का काम हुंदा है बीमारा नू ठीक करना, इसलिए इन्हां लोकां नू नाम बाणी नाल जोड़ो, अगे कित्थे जाना है। सो दोवें गुरमुख रूहां उत्थे ही डट गईयां ते बंदगी करन लग पए। लोड़ पैण ते टालियां दे पत्ते छक के नहर दा पानी पी लैण। दो दिन इउं ही कड़ाके च लंघ गए। तीजे दिन नहर दे दूजे पासे एक माई अपने पति वास्ते हर रोज वांग रोटी लई कंडे कंडे जा रही सी। उसने देख के सोचिया कि ये दो संत लोग परसों दे इत्थे बैठे हन, इन्हां कुछ शके है कि नहीं। ये विचारदी हुई छोटी नहर लंघ के संतां पास आई ते बेनती कीती, महाराज भोजन छके है कि नहीं। उन्हें आख्या जब पातशाह घलेगा तो छक लवेंगे। ये सुन के उस भाई गुरदत्त सिंह की माता जो कि अपने पति लिए शाह वेले का भोजन ले जाती सी, उन्हें भोजन संतां अंगे छकन लिए भेटा किया। संत कहन लगे कि यह भोजन तेरे पति वास्ते है, उन्होंने छकाओ, उड़ीक करते होंगे। बीबी तुरंत ही अपने पति ने प्रशादा छका के पिंड गई और संतां वास्ते भोजन तैयार कर लिया। संतां ने प्रसन्नता नाल छकिया अते उस उपरंत दोवें वेले बीबी जी दे घरों प्रशादा संतां वास्ते आउंदा रहा अते सतसंग नहर उत्ते ही होण लग्या। एक दिन शाम वेले कुछ मेरे वीर नहर ते नहाउण लई गए। अगे संत भोजन छक रहे सन। उन्हां सज्जणां च एक ने टीचर कीती कि उन्हां करनियां की फकीरियां ने जिन्हां खावणी अन्न दी धड़ी है। कहिंदे उन्हां करनियां की फकीरियां ने जिन्हां खावणी अन्न दी तड़ी है। ओए संता ए सुन के सुभावक ही बचन कीता, कट कट बसे चरणार बिंद रसना जपे गोपाल, नानक सो प्रभ सिमरी है तिस देही को पाल। इस गुरवाक बारे विचार करते हुए चरणार बिंद तो भाव उन्हां दस्या कि नाभ कमल जो कि धुंदे पिछे हुंदा है ते उल्टा हुंदा है, नाम जपन नाल इस उत्ते ठोकरां बजदियां ने ते हौली हौली सीधा हो जांदा है, ते फिर इसे विच्चों ही चरण जो अत सूखम हन दिसण लग पैंदे हन। इस बारे ही भगत कबीर जी ने फरमाया है, कबीर सुरग नरक ते मैं रहयो सतगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत्यार आद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। गुरु साहिब फरमाउंदे हन, राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। मेरे बड़े भरा जी सोढ़ी गुरबचन सिंह जी जो के डॉक्टर सन कहन लगे कि साधा क्यों एवें जकड़ छड़दा है। डॉक्टरां ने अनेकां बंदियां दे ऑपरेशन किते हन, उन्हां नूं अंदर दी एक एक नाड़ी का पता हुंदा है। उन्होंने तो कदी कोई चरण कमल या दसवां द्वार या जोत जगदी नहीं देखी। ये फालतू गल्लां दा की लाभ है,
संतां ने फरमाया कि संतन की सुन साची साखी सो बोले जो पेखे आखी। मेरे वीर जी बोले हवाले तो मैनू भी बथेरे आउंदे ने। मैं आखदा हाँ जब लगना देखो अपनी नैनी तब लगना मानो गुर की बैनी। संत जी कहंदे अच्छा ये गल है, जे तू दसम द्वार दे जोत दे चरण कमल दे दर्शन करना चाहुंदा है ता 2 बजे अमृत वेले सन केसी शनान करके साढ़े पास आ जावी, फिर जो कुछ देखना चाहे ते दिखा देवांगे। गर्मिया दे दिन सन ते संतां नूं मिलण वास्ते एक छोटी नहर ते दूजी वड्डी नहर लंघनी पैंदी सी, पर वीर जी हिम्मत करके संतां पास अमृत वेले जा हाजिर होए। संतां आख्या डाक्टर आ गए? हाँ जी, आ के कोल बैठ गए। संतां उन्हां दे सिर ते हथ रख के आख्या कहो वाहिगुरु। इउं 5 वार वाहिगुरु खवाया ते कपाट खोल दिते। पहला दसवां द्वार, फिर जोत दे ते अंत विच चरण कमल वीर जी नूं दिखा दिते अते कहा कि सुना भई डाक्टर दस दसवां द्वार है कि नहीं, चरण कमल हन के नहीं। बिल्कुल ठीक, आख के उन्हां ने संतां दे चरणां ते सीस रख दिता। संतां आख्या जा हुण उस टाली हेठ बैठ के वाहिगुरु दा जाप करो ते इन्हां दी प्राप्ति आप ही होवेगी। वीर जी ने संतां नूं बेनती कीती कि साडे पिंड चलो अते संगत नूं राहे पाओ। बेनती मन के कुछ दिनों बाद संत जी पिंड आए ते एक बगीची विच डेरा ला दिता। संगत आउण लगी, उन्हां उपदेश दिता ते प्रेरणा कीती कि भाई दशमेश पिता जी दा बख्शा अमृत पान करो, इस बिना छुटकारा नहीं। सो अजिहे कमाई वाले महान व्यक्तियां पासों उपदेश सुन के 50-50, 60-60 सालां दे बजुर्ग भी अमृत छकण लई तैयार हो बैठे। अमृत तैयार करन लई उन्हां ने दास नूं भी 5 प्यारियां शामिल होण लई कहा, क्योंकि दास ने 5 कु साल होए अमृत छक लिया होया सी। फिर नाल दे पिंड विचों वीर हरनाम सिंह अते एक होर सिंह बलवंत सिंह नूं बुलाया। अमृत बाटा तैयार होया अते छकण उपरंत कईयां दी काया पलट गई। जिन्हां दे ब्याह बेदी द्वारा होए सन उन्हां दे आनंद कारज श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच लावां दे पाठ करके कराए गए। पिंड विच नाम दी धुनी गूंजण लगी अते दीवान लगन लगे। उन्हां दिनां विच मेरे एक चाचा जी सोढी मनसा सिंह मद्रास विखे रेलवे विभाग विच नौकरी ते सन। उह छुट्टी आए ते मैं उन्हां नूं अमृत छकण लई बेनती कीती ते उन्हां ने कई कुछ आख के टाल दिता, पर मैं उन्हां नूं अमृत छकण लई बार बार कहिंदा ही रहा ते अंत उह मन गए ते कहण लगे चल तेरे आखे लग जांदे आ ते अमृत छक लैंदे हां। 10 रुपयां दी गल है, क्योंकि संत जी हरेक अमृत बराखी पासों 2.5 रुपए लिया करते सन। 1.25 रुपया कड़ा प्रसाद वास्ते अते 1.25 दमड़ा श्री अकाल तख्त साहब की भेटा है। मेरे चाचा जी के 2 बच्चे ते धर्म पत्नी भी नाल सन। अमृत छक लैण उपरंत संतां ने चाचा जी नूं एक कागज अते एक नीली अते लाल पेंसिल लियाउण वास्ते कहा। उन्हां ने हाजिर कर दित्तियां ते संतां ने अपने कर कमला नाल सफेद कागज उत्ते 3x8 इंच मतलब साइज विच वाहिगुरु शब्द लिख के दे दिता। 2 लाइनां विच उपर नीली लाइन ते हेठां लाल वाही ते बचन कीता इस शब्द विच टिका अते मूंह नाल वाहे गुरु दे 4 अक्षर वख वख करके आखो अते उचारण करदे समय ध्यान हर अक्षर दी बनावट वल रहे। फिर अखां मीट के ओह 4 अक्षर अपने परवटियां दे विचकार वाली थां ते अपने ध्यान राहीं लिखण दा जतन करो। उन्हां ए भी दस्या कि साडे मन 2 हुंदे हन, एक पाठ कर रहा हुंदा है जां जाप कर रहा हुंदा है ते दूजा गंदगी विच गोते खा रहा हुंदा है। सो इन्हां दोनां ते काबू पाउण लई एक मन शब्द दे उचारण विच ते दूजे नूं लिखण उत्ते ला दिओ। इउं करदिआं जिहड़ा मन भजेगा वह काम बोलना जां लिखना बंद हो जाएगा ते पता लग जाएगा, फिर उस भजे हुए मन नूं मुड़ उस धंदे ला दिओ। इउं साधन करन नाल मन की एकाग्रता बनी रहेगी। मेरे चाचा जी ने उस दिन तो अभ्यास आरंभ कर दिता। 7-8 दिनों पिछों मैं उन्होंने लड़के पासों पुछया कि चाचा जी किधरे गए हुए ने, तो उन्होंने दर्शन नहीं होंगे। तो उसने दसिया
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਲੀ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਵੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੇਲੀ ਗੇਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਮੈਂ ਫੋੜੇ ਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ 10 ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਕਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਘੂਕੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਹਫ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਨੀਲੀ ਤੇ ਲਾਲ ਪੈਨਸਿਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਰੰਗਾਂ ਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੀਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲਾਲ ਅਖੀਰਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਦਰ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਨਿਮੂਰੋਲੋਜੀ, ਹਾਈਪੋਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਸਮੈਰਿਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਟ ਆਈ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਠਾਕੁਰ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ, ਠਾਕੁਰ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ, ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ, ਠਾਕੁਰ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ, ਠਾਕੁਰ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ, ਤੁਹਾਰੋ ਪਰਨਾ, ਮਾਨ ਮਹਿਤ ਤੁਮਾਰੇ ਉਪਰ, ਮਾਨ ਮਹਿਤ ਤੁਮਾਰੇ ਉਪਰ, ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਸਰਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਸਰਨਾ, ਠਾਕੁਰ ਜੀਓ,
तुहारो परना गुजियो तुहारो परना तुहारो परना तुमरी आस परोसा तुमरा तुमरी आस परोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय तरना तुमरा नाम हृदय तरना तुमरो बल तुम संग सुहेले तुमरो बल तुम संग सुहेले जो जो कहो सोई सोई करना जो जो कहो सोई सोई करना तुम्हारी दया मया सुख पावो तुम्हारी दया वाहिगुरु 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 तुम्हारी दया मया सुख पावो तुम्हारी दया मया सुख पावो हो की पाल तपो जल तरना हो की पाल तपो जल तरना अब्बदान नाम हर पायो नाम हर पायो अभिदान नाम हर पायो अभिदान नाम हर पायो सिर डायो नानक संत चरना सिर डायो नानक संत चरना तन गुर नानक तन गुर नानक तन गुर नानक तुमरी आस परोसा तुमरा वाहेगुरु 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 तुमरी आस परोसा तुमरा तुमरी आस परोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय तरना तुमरा नाम हृदय तरना ठाकुर जियो तुहारो परना ठाकुर जियो तुहारो परना तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर मान महत तुम्हारे ऊपर तुम्हारी ओट तुम्हारी सरना तुम्हारी ओट तुम्हारी सरना ठाकुर जी ओ
तुहारो परिना ठाकुर जियो तुहारो परिना तुहारो परिना तुहारो परिना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु जी मैटिंग पढ़ा? हाँ जी हाँ जी पढ़ो। शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जप मन सतनाम सदा सकल नाम। जप मन सतनाम सदा सतनाम सदा सतनाम सदा सतनाम सदा सतनाम। जप मन सतनाम सदा सतनाम सदा सतनाम सदा सतनाम सदा सतनाम। हलत पलत मुख उजल हई है। हलत पलत मुख उजल हुई है। उजल हुई है नित ते आई है। नित ते आई है नित ते आई है नित ते आई। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। नित ते आयर पुरख निरंजना हर पुरख निरंजना पुरख निरंजना। हलत पलत मुख उजल हुई है। नित ते आयर पुरख निरंजना हर पुरख निरंजना। जय हर सिमरन पया तेउ पाद गत कीनी तेउ पाद गत कीनी। जय हर सिमरन पया जय हर सिमरन पया जय हर सिमरन पया जय हर सिमरन पया जय हर सिमरन पया। तेउ पाद गत कीनी की हर जपना वडपागी हर जपना वडपागी हर जपना वडपागी हर जपना। जन नानक को जन नानक को जन नानक को गुर हे मत दीनी एह 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 मत दीनी। जन नानक को गुर मत दीनी जन नानक को गुर मत दी
जप हर पाव जल तरना, जप हर पाव जल तरना, जप हर पाव जल तरना, वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। जप मन सतना सदा सतना सदा सतना सदा सतना सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।